हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 कब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम हैं यूपी बोर्ड के वो फिनिश हो चुके हैं और अब सभी स्टूडेंट्स को इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि काफी सारे वीडियोस हमने देखे जो आप सभी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आपको सभी तरह के रिजल्ट्स, सभी तरह की डेट शीट और सभी तरह की जो इंफॉर्मेशन है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, वो सभी इस वेबसाइट पर मिल जाती है। और ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हमको देखने को मिलती है डेट शीट, जिसमें हमारा यूपी बोर्ड 10th और 12th की जो डेट शीट है वो यहां पर दिखाई गई है। इस पर क्लिक करते हैं, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो लास्ट इसमें एग्जाम दिखाया गया है वो है आपका 12 अप्रैल का। यानी दोस्तों, जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल को खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहां 12 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुए हैं तो दोस्तों कम से कम 1 से 1.5 महीना आपके रिजल्ट के आने में लग जाएगा, क्योंकि जिस दिन एग्जाम खत्म होते हैं उससे करेक्ट 1 महीने के बाद में टॉपर्स का जो नाम है वो घोषित किया जाता है। तो सारा रिजल्ट निकलने के बाद जो टॉपर्स होते हैं उनका कुछ दिन पहले नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर रिजल्ट जारी होता है। दोस्तों, रिजल्ट को आने में करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो 12 अप्रैल है, 12 मई 1 महीना, उसके बाद में मई लास्ट होगी तो उसी वक्त आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, 25 से लेकर 30 मई के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने कई सालों के रिकॉर्ड निकाले, यहां पर कई सालों का स्टेटस चेक किया, करीब 5 साल पहले तक का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, तो उसमें यह आइडिया मुझे हुआ कि यहां पर आपको 1 से 1.5 महीना लगता है आपका रिजल्ट जारी होने में। दोस्तों, यहां पर आपका मई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक था। इसके अलावा आपका कोई सवाल है यूपी बोर्ड से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट, यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट, किसी भी बारे में आपको जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।